बड़ा बोल नहीं बोल। क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी, हम कह सकते हैं कि तूफानी पेस अटैक से होगा, बल्कि वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है। मस्त जोक मारा। इंडिया की तरफ से भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी इस वक्त टीम पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इंडिया के लिए मैसेज ये है कि हारने के बाद प्लीज रोना नहीं है। नो डाउट, चाहे वो बॉलिंग का मामला हो, चाहे वो बैटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे फील्डिंग का डिपार्टमेंट हो, इंडिया ने पाकिस्तान को अब शिकस्त दे दी है। भारत ने कॉम्प्रिहेंसिवली मैच खेलते हुए, नो डाउट इसमें बहुत कोई दो राय नहीं है, उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया। 228 रन के बड़े मार्जिन के साथ भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशी, सारा जोश, सारा वलवला, सब कुछ हवा हो गया है। जो मैच देखा, जो परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान की इंडिया के मुकाबले में, तो उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। इन्फॉर्मेशन है तोबा मुझे नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद ये वो नाम है जो हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। ये ग़ज़वा हिंद आखिर है क्या, आप तमाम लोग सोचते होंगे, और इससे भारत इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है। अबे साले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों में कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है। और आज जो पाकिस्तानी एंकर कुछ ज़्यादा बोलती थी इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके कि भाई टॉप की वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की नंबर वन टीम पाकिस्तान, उसको जो 228 रन से बुरी तरह से हराया, उसके बाद वही एंकर मुँह छिपाते फिर रहे हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एफी भाई, 228 रन से इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और 357 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान मैच 128 रन पर आउट हो गया, बड़ी शिकस्त। और आज विराट कोहली ने एक और जबरदस्त सेंचुरी जड़ दी। केएल राहुल जो मार्च के बाद दोबारा इंडियन टीम का हिस्सा बने थे, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। अलगर्ज पाकिस्तान के लिए इस मैच में कुछ था ही नहीं। अली मेरे ख्याल में आपने मुझसे अभी दो दिन पहले ही पूछा था कि यार आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कौन जीत रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा। कल आपने मुझे कहा कि यार पाकिस्तान मैच हारा तो नहीं, कभी जवाब मिले। मैंने थोड़ी मारा है, विराट ने मारा है। मैं इंजर्ड नहीं था, केएल राहुल इंजर्ड था भाई। आपकी पूरी टीम को 24 करोड़ को इंजर्ड करके गया ये केएल राहुल और ये विराट कोहली का जो पार्टनरशिप थी। तो मैं ये कह रहा हूँ किस मुंह से आदमी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करेगा यार। मुझे तो शर्म आती है कि आप रिजवान को अपनी गोद में बिठा के कब तक चलेंगे भैया। ये कौन सी साजिशी टोला पाकिस्तान से 3 साल से आपने चिपका के रखा हुआ है कि यार इनके अपनी मर्जी का खिलाड़ी चाहिए। दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मैंने आपको बात करी कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ फैसले ऊपर से होते हैं। भाई 3 साल से ऊपर से तो तू आया बैठा हुआ है, तू पाकिस्तान के नाम के ऊपर रोटियां तोड़ रहा है 3 साल से किसी ना भाई। वो उन माँ के बच्चों की दुआएं लगी है जिन माँ के बच्चे ग्राउंड में काले हो गए खेल खेल के, और इसने टीम में नहीं आने दिया, 2-2 साल बिठा के उनका करियर ऐसी की तैसी कर दी। पूछे अकाउंटेबल कर गए इन लोगों से, पाकिस्तान का पैसा खाते हैं ये लोग और 228 रन से हार रहे हैं। तो फिर मैच ही तो था सैलानी और ईदी के बच्चे, ठीक है 228 रन से वो हार जाए मुझे फिक्र नहीं है। इफी भाई ठीक है आपको आपकी खुशी, आपका गुस्सा जो भी कुछ है, लेकिन सर बड़ी हल्की हो गई। ठीक है मतलब अब ठीक है क्या यार। नहीं तो भाई एक मैच ही तो था ना। ठीक है यार एक मैच ही तो था, क्या था एक मैच था, झुकते मारे या फैसलाबादी बन जाए आप भी। एक मैच ही तो था ना, ये आप कह रहे थे ना उस दिन, ठीक है नेपाल के खिलाफ आउट करते। अरे ये टांगे वर्ल्ड कप पे जाएंगी यहीं पे कमजोर कर दी। पहले अफगानिस्तान ने 300 रन मार के, मैंने उस वक्त भी आपको रेड अलर्ट किया था कि ये गुरबत को पकड़े, ये क्यों मार रहा है मेरे शाहीन को। मैंने इतने खूबसूरत बच्चे तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वो वसीम बिठा के रखा हुआ शैंपू बच्चा जिसके नाखून कटे हुए, कपड़े गंदे नहीं होते, उसके जूते बिल्कुल साफ रहते। अबे यार ये तुम क्या आपस की टीम में फैमिलियां छोड़ के फैमिली तुम मना रहे हो क्रिकेट टीम में आके लाला थे। मैं कह रहा हूँ ऐसी अप्रोच पे इनसे पूछे कि इस हार के पीछे कौन है, और बाबर आजम ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसकी तरफ इशारा किया था
तक ये फैसले ऊपर से आते हैं, जबकि ऊपर से आए दीमक लगा दी। आज मेरा वक्त है अली सरदार, आपका वक्त गुजर चुका। आप पिछले 15 दिन से इसी बात को रोना रो रहे थे कि नहीं यार जब होगा जब देखेंगे, जब होगा जब देखेंगे। हां तो अभी एक और मैच और भी होगा ना फाइनल में। ये दिन दिखा दिया उन्होंने, लोगों ने अपना डाटा खर्च किया, लोगों के लाइट नहीं तो जिनके घर पे लाइट नहीं हुआ बैठ के टीवी खोल कर वो मैच देख रहे हैं। ये मैच देखा पाकिस्तान ने आज? नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी हो सकता है पाकिस्तान फाइनल में आ जाए, फिर क्या होगा पाकिस्तान जीत गया तो? जश्न मना लें, खुशियां मना लें, आप त्योहार मना लें, जो भी आपने मनाना है मना लें, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये किस बात पे 3 साल से कप्तान बना बैठा है, जबकि इसने जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ ये सबसे छोटा नजर क्यों आता है? 10 विकेटों से भी इसी कप्तान ने मारा ना आपकी इंडिया की टीम को। अरे तो भाई कब तक आप वाली खबरों पे चलते रहेंगे भैया? ये दौरे हाजिर की बात करें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मालूम करें कि साउथ अफ्रीका के ऊपर ऑस्ट्रेलिया 393 क्यों मार रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5 आउट होने के बाद 44 रन पे इंग्लैंड लिविंगस्टन अकेला खड़ा होकर कैसे जितवा देता है भैया? ये मालूम करें ना आप। अच्छा। आप मसला वही है ना कि चार नंबर पे खेल लो, पाकिस्तान जीत रहा है वर्ल्ड कप। अच्छा रिजवान तूने खौफ देख लिया, अब मैं तुझे खिलाऊंगा 4 नंबर पे। अब ये सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशी, सारा जोश, सारा वलवला, सब कुछ हवा हो गया है। जो मैच देखा, जो परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान की इंडिया के मुकाबले में, तो उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। और जो एक प्रेशर था, एक मोमेंटम था कि टीम पाकिस्तान जब मैदान में उतरेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शायद इंडियन बैट्समैन या इंडियन टीम को हम इतना हल्का ले रहे थे कि वो बस आएंगे और जाएंगे, उनकी आनियां जानियां लगी हुई होंगी और पता नहीं क्या मैच का पासा पलट जाएगा। लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि शॉकिंग था जो कुछ डिसीजंस लिए जा रहे थे, जिस तरह से मैच परफॉर्म किया जा रहा था वो सब कुछ शॉकिंग था। हर चीज ही आज के मैच में शॉकिंग थी, या फिर टीम पाकिस्तान बाबर आजम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, शायद नेशन की तरफ से, शायद कौम की तरफ से उनके ऊपर इतना ज्यादा उनको पूरा एतमाद कर दिया गया, उनको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया गया कि जिसकी वजह से जो कुछ हमने देखा मैच में उस पर जरा बात करते हुए भी जो है ना तकलीफ होती है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब एक दिन पहले आपका अपना जो बात कर रहा है, यानी कि मैं अगर अपनी बात कर रही हूं, अगर मेरा मोराल यहां पर है, अगर मैं यहां पर सोच रही हूं कि जी टीम पाकिस्तान ऑब्वियसली इतनी फॉर्म में जो टीम हो, जो थ्रू आउट कंसेक्यूटिव मैचेस जीतती हुई आ रही हो, जो वनडे की बेस्ट टीम हो, जो नंबर वन टीम हो, तो उसके लिए आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होनी चाहिए। लेकिन फिर उस टीम का भी काम बनता है कि वो टीम में और वो ऐसे प्रेशर वाले मैचेस में परफॉर्म भी उसी तरह से करें जैसा उनके उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है टीम का। लेकिन मैच में अल्लाह की कसम टीम पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बल्कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में और जहां जहां पाकिस्तानी बैठे हैं उनकी तरफ से दुआ की जा रही होगी कि कोई कोई अल्लाह ताला इस तरह का मौजजा करे। तो फिर जब हम जीत का सारा क्रेडिट जो है वो बाबर के कंधे पर डाल देते हैं ना, तो फिर आज सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेदारी भी बाबर के कंधों पर होनी चाहिए। जो कुछ उनकी तरफ से किया गया, मैं कुछ एक्सपर्ट से जब बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि ये बाबर ने क्या डिसीजन लिया है, तो वो इस बात पे हैरान थे। लेकिन वो कह रहे थे कि ये अकेले बाबर का डिसीजन नहीं है, ये सारी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, जो लाइनअप्स देख रहे होते हैं, चीजें देख रहे होते हैं, उन सब का, सारे प्लेयर्स का ये एक मिक्स डिसीजन होता है। उसके बाद जो है वो कैप्टन डिसाइड करता है कि जी ठीक है, हमने बॉलिंग पहले करनी है या हमने बैटिंग पहले करनी है। तो भाई जब ये सबका डिसीजन होता है और गेम सबका डिसीजन होता है, तो फिर कैप्टन को तो किसी भी किस्म का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम जीत पे सारा क्रेडिट कैप्टन को देते हैं, भले से उसमें नसीम ने परफॉर्म किया हो, भले से उसमें इफ्तिखार ने परफॉर्म किया हो, भले से उसमें जो है वो हारिस रऊफ का किरदार रहा हो, भले से उसमें रिजवान ने काम की दिखाया हो अपना, भले से नसीम ने मैच खूबसूरती के साथ फिनिश किया, लेकिन सारा क्रेडिट जाता है जी बाबर आजम की झोली में। तो फिर आज भी जो ये नाकिस हिकमत अमली रही है, जो ये बदतरीन परफॉर्मेंस रही है, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम के कंधों पर होनी चाहिए। अब दुआ करते हैं अल्लाह से और उम्मीद रखते हैं कि एक बार फिर, और ये टीम पाकिस्तान की आदत है, ये आप जितने भी मैचेस उठा के देखें ना, जहां जहां ये नेल बाइटिंग मैच रहे हैं, जहां जहां सनसनी खेजी रही है, जिन मैचेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहा है, और जब जब ये सोचा गया है कि टीम पाकिस्तान के लिए कोई प्रेशर नहीं है, टीम पाकिस्तान यूं ही निकाल देगी मैच, उन्होंने जो है ना हलक से जान ही निकाली है हमेशा। इस मैच में भी उन्होंने यही किया है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और यही एंकर
शुरू की जो आपने इंट्रो में देखा होगा कि शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो भारत को बहुत आसानी से हरा देंगे और जो पाकिस्तान की टीम है वर्ल्ड की नंबर वन टीम है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, तो आज इनके जो बॉलर्स हैं वो धरे रह गए और ये आज मुँह छिपाते फिर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।